मैं हूं संतोष देवी, प्रियंका नॉलेज बैंक में आप सभी का स्वागत है। और मेरे प्यारे बच्चों, भाई बहनों, आप सबको ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरे प्यारे बच्चों, भाई बहनों, कैसे हो आप? आज हम आपके लिए बहुत ही खास रेसिपी बना रहे हैं, जिसका नाम है शाही दिल रस रसीला। इसके लिए हमने 2 कप मैदा ले रहे हैं, 2 कप मैदा में हम 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। अब मैदा को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। मैदा हमारी अच्छी तरह से मिल चुकी है, मैदा का गोला बन चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए हमें मैदा की मल्ली तैयार करनी है। मैदा को हमें पूरी के आटे की तरह ही गूंथना है। मैदा हमारी मल चुकी है और अब इसे कुछ देर के लिए हम उठा कर रख देते हैं और चाशनी तैयार करते हैं। अब हम चाशनी के लिए कढ़ाई रख रहे हैं। चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में हम 1.5 कप पानी डाल रहे हैं। और 2 कप चीनी डाल रहे हैं। इलायची को कूट रहे हैं। इलायची का छिलका हमने अलग कर दिया है। कुटी हरी इलायची को हम चाशनी में डाल रहे हैं। केसर, नींबू, हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। हमारी चाशनी बनकर तैयार है। देखो हमारी चाशनी कितनी बढ़िया बनी है। देखो हमारी चाशनी का कलर कितना बढ़िया आया है, कितना सुंदर लग रहा है। इसमें केसर पड़ा हुआ है, इसमें सफेद इलायची पड़ी हुई है, और इसमें जिससे हमारी चाशनी जम ना जाए उसके लिए हमने नींबू डाला है। आटे को और हम थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। मोटी लोई तोड़ के हम लोई बना लेते हैं। इसे बेल लेते हैं, ना मोटा बेलना है ना पतला बेलना है। इसके किनारे भी हमें अच्छी तरह से बेलने हैं। अब हम इसे कुकीज कटर की सहायता से दिल के आकार की शेप में काट लेते हैं।
अब कढ़ाई में हम तेल गरम कर रहे हैं। तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है। हमें धीमी आंच पर ही तलना है। इन्हें हल्की सुनहरी होने तक तलना है। तेल से निकालने के बाद इन्हें चाशनी में डालना है। इन्हें चाशनी में कुछ देर डुबोने के बाद निकाल लेना है। बारीक कटे हुए पिस्ते से इनकी गार्निशिंग करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, शाही दिल रस रसीला बनकर तैयार है और आप सबको खिलाने के लिए हमें आपका इंतजार है। आ जाओ ना मेरे प्यारे बच्चों, भाई बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, हमारे चैनल के सदस्य जरूर बनना, हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहो, आनंदित रहो। बाय बाय।